बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये लिनोवो का पी सी है Q45 थिंक सेंटर। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इसका पावर केबल प्लग इन किया हुआ है, ठीक है, इसका बटन पुश कर रहे हैं लेकिन डिस्प्ले नहीं है, बिल्कुल भी कोई लाइट ऑन नहीं है, ना स्विचिंग कर रहा है ना डिस्प्ले आ रहा है। सबसे पहले इसकी सप्लाई चेक करेंगे कि मदरबोर्ड के अंदर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। देखिए बटन पुश कर रहे हैं, ये बटन है इसका, लेकिन स्विचिंग नहीं कर रहा, ठीक है। ये वैसे इसके कंट्रोलर को जंग लगा हुआ है लेकिन कई दफ़ा वो प्रॉब्लम नहीं होती, चल जाता है। चले इसको चेक करते हैं। सबसे पहले सप्लाई जो है इसकी वो डायरेक्ट करके चेक करेंगे। ये चुमटी ले ली है हमने, चुमटी से जो है ना ये हार्ड उतार लेंगे। बिस्मिल्लाह, इसको डायरेक्ट कर लेना आपने, ठीक है। उससे पहले आपने ये सेल उतार लेना। ठीक है, ये सेल उतार लिया आपने। सेल उतार के ये पावर केबल आपने अनप्लग कर देनी है, ठीक है। पावर केबल अनप्लग करके थोड़ा सा वेट कर लेना आपने। वेट करके तो उसके बाद जो है ना फिर आपने पावर केबल इसको प्लग इन करके तो स्विचिंग करके चेक कर लेनी है बटन की, ठीक है। ये तकरीबन एक मिनट या डेढ़ मिनट वेट किया हमने, अभी इसकी पावर केबल प्लग इन करते हैं। बिस्मिल्लाह, बटन को स्विच ऑन किया, कुछ कर रहा हूँ मैं लेकिन फिर भी ऑन नहीं हो रहा। अब इसको ज़रा डायरेक्ट कर लेंगे। ये ग्रीन वायर है और ब्लैक वायर है, ठीक है, इन दोनों को डायरेक्ट करेंगे। ये देखें, ये फ्रंट की लाइट ऑन हो गई है, इसका फ़ैन भी ऑन हो गया है, सप्लाई का फ़ैन भी ऑन हो गया है, ठीक है। डिस्प्ले चेक करते हैं आता है या नहीं आता। लगातार स्टिल ऑन है लाइट इसकी, लेकिन डिस्प्ले नहीं है। फैन की स्पीड तेज़ हो गई है, चेक कर रहे हैं आप, आवाज़ आ रही है इसकी। फैन की आवाज़ आ रही है। तो चलें इसका प्रोसेसर ओपन करके चेक कर लेना आपने। प्रोसेसर इसका ओपन कर लेना आपने। हीट सिंक, प्रोसेसर तो साफ है लेकिन फिर भी इसकी सफाई कर लेनी है एक दफ़ा आपने। ये रैमें भी उतार लेनी है। ये प्रोसेसर अच्छी तरह साफ कर लेना आपने, रेज़र से कर लें, पेट्रोल से कर लें, जिसे आपको मुनासिब लगता है। बिस्मिल्लाह, ये प्रोसेसर फिट किया मैंने। पावर केबल लगाएंगे, पुश करेंगे बटन, लेकिन फिर भी ऑन नहीं हो रहा मदरबोर्ड। तो इसका मतलब है कि मदरबोर्ड का ही प्रॉब्लम है। चलिए इसको बाहर निकाल के तो एक दफ़ा वाश करेंगे। वाश करने के बाद जो है ना मदरबोर्ड को फिर चेक करेंगे जी। ये बोर्ड, मदरबोर्ड इसका वाश करके, ठीक है, तो पैक की है। तो अभी इसका डिस्प्ले चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, ऑन हो गया। डिस्प्ले भी आ गया इसका, ठीक है। ये कार्बन आ जाता है इसमें ना, जैसे कि ये कंट्रोलर को जंग लगा हुआ था, जैसे आपको दिखाया था मैंने, कार्बन वगैरह आ जाता है मदरबोर्ड के अंदर, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बनती है, ठीक है। तो ये अभी बिल्कुल ओके है, विंडोज़ वगैरह इसकी जो है ना रन हो रही है। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।